मामले को परत दर परत खोला, आप पर भी आरोप लगे कि आप राज्य सरकार को अस्थिर करने से इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप केंद्रीय गृह सचिव के पास भी गए और तो केंद्रीय एजेंसी के पास ही मामला सौंपा गया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लिंजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। जांच की दिशा बहुत आगे बढ़ती अभी नजर आ रही है क्योंकि सीबीआई की एंट्री होगी, लेकिन 100 करोड़ और सारे आंकड़े जो है ये कहीं ना कहीं एजेंसी के बाद एक्सपर्ट की है वो है ईडी। तो ऐसे में सीबीआई जांच के बाद या अगर मामला दर्ज होता है सीबीआई में, उसके बाद ईडी भी इसकी जांच करे, ऐसा मानते हैं? देखिए, सीबीआई जब जांच करती है, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है और इस जांच के समय ऐसा ध्यान में आया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, या पैसे को एडजस्ट करने की बात हुई है, या काले पैसे को सफेद करने का प्रयास किया गया है, या फेमा फेरा इस जैसे कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो ऑटोमेटिक ऐसे मामलों में ईडी स्टेप इन होती है। तो अभी ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आवश्यकता होगी तो ईडी इसमें जरूर आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं आएगी। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो लिमिटेड नहीं होता। किसी ने एक व्यक्ति का नाम कहा तो वहां इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पूरा सर्किट ढूंढ के निकालना पड़ता है, इवेंट्स ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, उसको कोरैबोरेट करना पड़ता है, उसकी एक चेन ऑफ इवेंट्स तैयार करनी पड़ती है, और फिर इसमें जो जो लोगों ने सहभागिता ली है ऐसे सब लोग उसके अंदर लपेटे में आते हैं। तो मुझे ये लगता है और मेरा अपना विश्वास भी है कि श्री अनिल देशमुख जी तक ये सीमित नहीं रहेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान।